अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम टोपोलॉजी पढ़ रहे थे। अब हम उसकी डेफिनेशन को ज़रा रिवाइज करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस कर सकें। टोपोलॉजी के लिए आपने एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है एक्स, और टा एक आपने कलेक्शन लेनी है जो कि सबसेट्स ऑफ एक्स होगी। उसके बाद आपने चेक करना है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टा बिलोंग टू टा। फिर आपने चेक करना है इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इन टा बिलोंग टू टा। और तीसरी कंडीशन आपने चेक करनी है कि फाई और एक्स बिलोंग कर रहे हैं टा को कि नहीं कर रहे। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन है कि आपके पास एक्स एक सेट है जिसके एलिमेंट्स ए बी हैं, टा वन एक और सेट है जिसके ये एलिमेंट्स हैं फाई बी और ए बी, और टा टू एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं फाई ए और ए बी। आपने शो करना है कि ये दोनों सेट टोपोलॉजी हैं कि नहीं। तो इसके लिए आपको पता है कि आपने पहले यूनियन को चेक करना है, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स ऑफ टा शुड बिलोंग टू टा। इसलिए हमने पहले फाई के साथ देखा, फाई के साथ बी का यूनियन लिया तो बी आया, फाई के साथ ए बी का यूनियन लिया तो ए बी आया, और इन दोनों का यूनियन लिया तो फिर ए बी आया। और हमने देखा कि ये तमाम का यूनियन जब हम लेंगे तो ये सेट आएगा जिसके एलिमेंट्स ए बी हैं। तो ये तमाम सेट्स आप अगर देखें तो ये टा वन को बिलोंग करते हैं। देखें, बी भी बिलोंग करता है टा वन को, ये ए बी भी बिलोंग करता है टा वन को, फिर ये ए बी है ये भी बिलोंग करता है टा वन को, और ये ए बी है ये भी बिलोंग करता है टा वन को। दूसरी कंडीशन हमने चेक करनी है कि क्या इंटरसेक्शन, अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टा लें तो वो बिलोंग करेंगे टा वन को कि नहीं। तो इसके लिए हमने देखा फाई का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया, फिर फाई का इंटरसेक्शन ए बी के साथ लिया, फिर हमने बी और ए बी इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो बी आता है, और आप देखें कि ये तमाम सेट्स बिलोंग करते हैं टा वन को। तीसरी कंडीशन थी, हमें चेक करना था फाई और एक्स बिलोंग करते हैं टा को कि नहीं। तो यहाँ देखें फाई भी है और एक्स ये सेट है तो ये बिलोंग करते हैं टा वन को। इसका मतलब हुआ टा वन टोपोलॉजी है एक्स पर। अब टा टू को देखते हैं, इसमें आप देखें फाई भी है, इसमें एक्स भी है, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ए आएगा, इन दोनों का यूनियन लेंगे बी आएगा, इन दोनों का यूनियन लेंगे ए बी आएगा। तो इसी तरह से इन दोनों का यूनियन लेंगे और उसमें ए बी आएगा। तो ये तमाम सेट्स टा टू को बिलोंग करते हैं। अब देखते हैं कि बी और ए बी का यूनियन ए बी आया, वो टा टू को बिलोंग करता है। फिर तमाम का यूनियन ले लिया, वो भी ए बी आया तो वो टा टू को बिलोंग करता। इस तरह फर्स्ट कंडीशन टा टू के लिए सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन से कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो फाई का इंटरसेक्शन ए से लें तो फाई आया जो कि बिलोंग करता है टा टू को। फिर फाई का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया, फाई का इंटरसेक्शन ए बी के साथ लिया तो ये फाई आया, ये टा टू को बिलोंग करते हैं। टा टू जो हमारा सेट था वो क्या था, टा टू सेट ये था। अब हमने फाई के साथ सबका इंटरसेक्शन ले लिया, अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे जो कि फाई है, जो टा टू के अंदर ही आएगा। फिर हम इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे जो कि ए आएगा, जो कि इसके अंदर ही है। फिर हम बी का इंटरसेक्शन ए बी के साथ लेंगे जो कि बी आएगा और वो इसके अंदर ही है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो वो भी उस सेट के अंदर ही आया। इसका मतलब हुआ कि सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन हमें चेक करनी है कि फाई और एक्स क्या बिलोंग करते हैं टा टू को। तो फाई भी है इसमें और एक्स जो है वो ए बी था तो ये बिलोंग करता है टा टू को। इसका मतलब हुआ कि टा टू इज़ आल्सो अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें चेक करना है कि अगर आपको ये सेट गिवन है एक्स तो क्या इसकी जो सबसेट्स बनाए हैं ये एस वन एस टू एस थ्री क्या ये टोपोलॉजी फॉर्म करते हैं कि नहीं फॉर्म करते। एस वन
में अगर देखा जाए तो फाई नहीं है, इसका मतलब है कि एस वन टोपोलॉजी नहीं है। एस टू को देखा जाए तो इसमें एक्स नहीं है, और एक्स कौन सा सेट था, ये बड़ा सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इसका मतलब है एस टू भी टोपोलॉजी नहीं है। एस थ्री को देखा जाए तो इसमें फाइव भी है, एक्स भी है, इन दोनों का यूनियन ए बी है वो इसके अंदर ही है, इन दोनों इनका यूनियन ए बी सी डी है जो इसके अंदर ही है, इन दोनों का यूनियन ए बी सी डी है जो इसके अंदर ही है, इन सारों का यूनियन अगर ले लिया जाए तो ए बी सी डी है जो इसके अंदर है। अब हम इसमें इंटरसेक्शन को चेक करते हैं, इसका इंटरसेक्शन ए आएगा जो इसके अंदर ही है, इसका और इसका इंटरसेक्शन फाई आएगा जो इसके अंदर ही है, और इसका इंटरसेक्शन ए आएगा जो कि इसके अंदर ही है। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो बी आएगा जो कि इसके अंदर नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बी है जो इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब है एस थ्री इज़ नॉट अ टोपोलॉजी। एस फोर पे आएँ तो एस फोर में आप देखें इन दोनों का यूनियन ए बी है जो इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब है ये सेट टोपोलॉजी फॉर्म नहीं करता। इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि वाई ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज़ नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो अगर टावन को लिया जाए तो टावन में अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो ये सेट आता है जो कि इसके अंदर नहीं है, क्योंकि एक्स में एक्स जो है वो बड़ा सेट है, इसमें एफ भी है, ई भी है, डी भी है, तो ये अगर इनका यूनियन लिया जाए तो ये सेट बनता है जो इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये टोपोलॉजी फॉर्म नहीं करता। इसी तरह से अगर आप इन दोनों का यूनियन लें तो वो सेट ये आता है जो कि टाटू के अंदर नहीं है, और टा थ्री टोपोलॉजी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें फाई नहीं है, और टा फोर टोपोलॉजी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज़ नॉट अ टोपोलॉजी ऑन जी। तो ये जी के ऊपर टोपोलॉजी क्यों नहीं है, तो इसमें टा वन में लिया गया आल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ जी, जब हम आल फाइनाइट लेंगे सबसेट्स ऑफ जी तो ये जी खुद नहीं आएगा, इसलिए ये टोपोलॉजी नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ और ये बहुत लंबी असाइनमेंट है, इसको आपने आज करना है और इस पे काफ़ी टाइम लगेगा। एक्स इज इक्वल टू द सेट हैविंग एलिमेंट ए बी सी, यू हैव टू फॉर्म टोपोलॉजीज ऑन दिस सेट। जितनी भी टोपोलॉजीज इस सेट पे बनती हैं वो आपने बनानी है, और इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।